नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली न्यू ईयर तो आने वाला ही है, साथ ही साथ आपके लिए गुड न्यूज पे गुड न्यूज, गुड न्यूज पे गुड न्यूज लगातार देर दनादन खुशखबरियां आप तक पहुंचाई जा रही हैं। और वो कौन दे रहा है? हमारे यूजीसी के जो चेयरमैन है अमजीत कुमार जी, वो लगातार एक साल से बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। उन्होंने सीयूईटी लाया, एनटीए को उन्होंने एग्जाम कराने के लिए दिया, और अभी 2023 की प्लानिंग के लिए भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, कोविड की वजह से सेमेस्टर लेट चल रहे हैं, ईयर भी बहुत लोग का लेट चल रहा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी अपना सही टाइम पे पूरा जो सेमेस्टर का एग्जाम है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। पता चल रहा है किसी किसी यूनिवर्सिटी में 6-6 महीना लेट है, बिहार की तो बात ही छोड़ दो। ऐसे में यूजीसी चेयरमैन एमजे कुमार जी लगातार 2023 के लिए पूरा का पूरा एक प्रोस्पेक्टस, जो एक पूरी प्लानिंग है, वो रेडी कर रहे हैं कि 2023 के जो बच्चे होंगे उनका किसी भी कीमत पे सेमेस्टर लेट नहीं होगा। उनका एग्जाम, उनका क्लास, सब कुछ एकदम प्रॉपर टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने यूजी सीयूटी 2023 का जो डेट है पहले अनाउंसमेंट कर दिया था, उसके फॉर्म का डेट भी बता दिया था। उसके लिए वीडियो जा चुका है, बीएचयू पाठशाला पे पहली बार हो तो मैं बता दूं, आप देख रहे हो नीर दर्शन। बीएचयू पाठशाला पे आपको कंटिन्यूअस टॉप स्टॉक, एजुकेशनल वीडियोज, बहुत सारे ब्लॉग और ऑफिशियल अपडेट्स, एनालिसिस वीडियो, रिपोर्टिंग, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, क्लासेस, यूजी पीजी प्रिपरेशन, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। सो प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों पीजी का जो डेट है वो भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यहाँ पे इस डेट के साथ साथ यूजीसी चेयरमैन अमजीत कुमार जी ने इस बात का भी एक डेट दे दिया कि जो 2023 के जो बच्चे हैं वो 1 अगस्त से, यानी अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वो अपने यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे प्लानिंग हम लोग हर साल देखते हैं, उम्मीद करता हूं कि ये प्लानिंग इस बार सक्सेसफुल हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अमजीत कुमार जी ने आज हमारे लिए क्या गुड न्यूज दिया है। वो बता रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्टिंग बॉडी होगी सीयूईटी 2023 के लिए। इसके पहले भी यही है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बहुत ही गंदा है, बच्चों को बहुत परेशान किया गया है। बच्चों से अगर रिव्यू लिया जाए तो माइनस में रिव्यू देंगे। होपफुली 2023 में इनका रिव्यू थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। उसके साथ साथ बता रहे हैं कि 1 से 10 जून 2023 तक एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। यदि आप काउंट करते हो तो होपफुली 1, 2, 3, 4, 5 आई थिंक 150 डेज आपके पास आज से है। सो प्लीज आज से आप लोग रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दो। बीएचयू पाठशाला पे एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिंदी, एमए फिलोसफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एलएलबी, बीएड लैंग्वेज साइंस ह्यूमैनिटीज, यूजी के ऑल कोर्सेज, बीए, एलएलबी, बीए, ये सब कोर्सेज अवेलेबल है। डोमेन, जीटी, हर एक चीज। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बीएचयू पाठशाला का कोर्स ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करिए, अपना काउंसलिंग कराइए। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है कि हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनको ये डाउट रहता है। थोड़ा आराम से समझाता हूं। बच्चों के पास सबसे बड़ी समस्या है कि सर हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ आप ये बताइए कि हमें किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म डालना चाहिए, अगर हमें ये कोर्स करना है तो इस कोर्स के लिए हमें कौन सा एग्जाम देना है। क्योंकि सीयूईटी जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक एग्जाम से अलग अलग यूनिवर्सिटी के विंडो ओपन हो जाते हैं, लेकिन हाँ हर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन अलग से होता है, जिसके लिए बीएचयू पाठशाला पे टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियोस देता रहूंगा। दोस्तों यहाँ पे आगे की अगर बात पढ़ें तो लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अवेलेबल हो जाएगा स्टार्ट इन मिड ऑफ द मार्च, यानी 10 से 20 मार्च के बीच में, मे बी यू विल गेट योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीयूटी पीजी। साथ साथ ये बता रहे हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू ट्राइंग फॉर एडमिशन टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यूजिंग द सीयूटी पीजी स्कोर। दोस्तों ये सेम प्रोसेस पीजी के लिए और यूजी सबके लिए बराबर बनाया गया है। और आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो बच्चे नए हैं उनको ये बात नहीं समझ में आएगा कि सर हमें फॉर्म डालना कौन सा है, जैसे कि एलएलबी की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्योंकि एलिजिबिल जो कोर्सेज हैं वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी है। जैसे बीएचयू अपने बहुत सारे कोर्सेज को एक कॉमन पेपर में डाल दिया है, लेकिन अगर आप वही जेएमआई में जाते हो तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक कोई एग्जाम देना पड़ेगा। वही आप अगर डीयू में जाते हो तो कोई स्पेसिफिक आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वही आप दूसरे किसी साउथ यूनिवर्सिटीज में या बहुत ईस्ट यूनिवर्सिटीज में जाते हो तो वहां पर आपके लिए स्पेशल कोई कोर्स, कोई स्पेशल डोमेन बनाया गया है। ऐसे में आपके पास एक ऐसा मेंटर होना चाहिए, एक ऐसा गाइडेंस देने वाला होना चाहिए जो इन सब चीजों को बहुत ही डिटेल में आराम से स्मूथली समझाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि 16 लाख फॉर्म 2022 सीयूटी में भरे गए थे, जो कि सेकंड हाईएस्ट भारत में भरा जाने वाला फॉर्म था 12वीं लेवल पे, सबसे ज्यादा नीट में है।
बस 1000 की संख्या में डिफरेंस था, लेकिन दोस्तों जो एग्जाम देने बच्चे गए उनकी संख्या मात्र 9 लाख थी। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। पता है क्यों? क्योंकि उनका जो एलिजिबिलिटी था वही फुलफिल नहीं हो रहा था अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज। सो प्लीज ये गलती इस बार नहीं करना, और इस गलती को सुधारने की गारंटी मैं ले रहा हूं। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक बात बहुत अच्छे से लिख लिख के बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, अपडेटेड सिलेबस, बहुत सारे कोर्स डिटेलिंग, साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग एनालिसिस, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये सब आपको मिलेगा बीएचयू पाठशाला पे। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, क्योंकि बीएचयू पाठशाला पे 2023 में धमाल होने वाला है। अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी बातें करूंगा, बहुत सारी डिटेलिंग लेकर आऊंगा। तो ये फाइनली 2023 न्यू ईयर आने से पहले आपके लिए गुड न्यूज था, वो ये है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा फरवरी फॉर यूजी एंड मार्च फॉर पीजी। गेट रेडी गाइस, इस बार आपको लेना है अपने एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन। तो आइए साथ में मुकुल बजाते हैं और आपका स्वागत करते हैं बीएचयू पाठशाला पे। हर हर महादेव।